हाय फ्रेंड्स, आज हमारे देश के 75वां महोत्सव में मैं आपका हार्दिक स्वागत करते हुए सबको दिल से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ द इंडियंस एंड ऑल द इंडियंस अराउंड द वर्ल्ड। हैप्पी 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 इंडिपेंडेंस डे टू एवरी हार्ट, एवरी इंडियन हार्ट अराउंड द वर्ल्ड। आज हमारे आज़ादी के 75वां सालगिरह के इस अवसर पर, इस महोत्सव पर मैं सबको दिल से बधाइयां देना चाहता हूं और दिल से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल द पीपल अराउंड द वर्ल्ड कहना चाहता हूं। जय हिंद। द कंप्लीट बुक ऑफ द मरीन एक्वेरियम, The complete book of the Marine Aquarium is a fully accessible and groundbreaking reference book which provides expert advice on how to achieve just this. Hi, welcome to Seascapes. Namaskar, main Abhishek Chaudhary, founder and CEO Seascapes Creative Aquarium Private Limited. आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। Hi friends, on this auspicious occasion of our 75th anniversary of our independence, I am going to represent you 75 videos on different 75 topic on marine aquarium in next few months. So ये 75वां इंडिपेंडेंस के जो महोत्सव है, इस 75वां महोत्सव को, इस इंडिपेंडेंस डे को हम सारे भारतवासी गर्व के साथ मनाएंगे इस महोत्सव को। और आज इस 75वां इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे मैं इस वीडियो को लॉन्च कर रहा हूँ इस कमिटमेंट के साथ कि आज से लेकर नेक्स्ट कुछ महीने में मैं 75 टॉपिक, मरीन एक्वेरियम के 75 अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को जानकारी दूंगा और आप लोगों को मरीन एक्वेरियम के बारे में, ये जो पूरे जो समुंदर है, इस पूरे समुंदर के बारे में जहां तक मुझे जानकारी है वो सारा जानकारी आप तक शेयर करूंगा। और यही जानकारी शेयर करने के लिए मेरे पास ये किताब है, The Complete Book of the Marine Aquarium, written by Vincent Hargreaves and explained by Abhishek Chaudhary. ये किताब बहुत ही बढ़िया किताब है जिसके अंदर मरीन एक्वेरियम के बारीकी से बारीकी के बारे में हर चीज़ लिखा हुआ है। मैं जो भी जानकारी प्राप्त किया हूँ इस किताब के द्वारा, ये सारे जानकारी इस किताब में ढेरों टॉपिक हैं, वो सारे टॉपिक आज 75वां इंडिपेंडेंस के महोत्सव में मैं आप लोगों को ये कमिट करता हूँ कि आने वाले कुछ महीने में इस किताब से लिए हुए ढेरों टॉपिक में से मैं बेस्ट 75 टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को डिलीवर करूंगा, ताकि आप लोग जब तक ये सीरीज़ ख़त्म होगा, वीडियो की ये सीरीज़ ख़त्म होते होते आप लोग भी मेरे ही तरह मरीन एक्वेरियम के एक्सपर्ट बन जाओगे।
सो आप अगर मरीन एक्वेरियम के एक्सपर्ट बनना चाहते हो, मरीन एक्वेरियम के बारे में सारा कुछ जानना चाहते हो, इस मरीन वर्ल्ड के बारे में, इस ओशन के बारे में, इस वास्ट ओशन के बारे में और मरीन लाइफ के बारे में जानना चाहते हो, तो नेक्स्ट फ्यू मंथ हमारे इस 75 वीडियो का जो कमिटमेंट है इसे फॉलो कीजिए। हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले दिन में ये वीडियो जो इस सीरीज के वीडियो है एक भी पार्ट आपसे मिस ना हो जाए, एक भी पार्ट आपसे छूट ना जाए, ये सारे पार्ट आपको समय टू समय, टाइम टू टाइम आपको मिलता जाए और सारा जानकारी आपको मिलता जाए। ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों से, फ्रेंडों से शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ, बस मैं अपना इन्फॉर्मेशन, अपना नॉलेज आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप भी कमेंट में दीजिए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो, ये आप भी कमेंट में दीजिए। और आप जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहोगे, आई स्वेयर वो सारा टॉपिक इस किताब कवर, ये किताब कवर करता है। मैं हर वो टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा अगले कुछ महीने में। आज इस 75वां महोत्सव में इंडिपेंडेंस के मैं ये कमिट करता हूँ, मैं अभिषेक चौधरी, आज से लेकर अगले कुछ महीने में आपके पास 75 अलग अलग मरीन टॉपिक के ऊपर वीडियो आने वाला है। स्टे ट्यून विथ अस, हमारे साथ ये वीडियो के सीरीज को पूरा देखिए, पूरा जानिए ये इन्फॉर्मेशन। जब तक ये 75वां टॉपिक खत्म होगा तब तक आप भी मरीन एक्वेरियम के एक्सपर्ट बन जाओगे और मास्टर बन जाओगे। सी यू। आज का हमारा जो पहला एपिसोड है और पहला टॉपिक है, वो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ मरीन एक्वेरियम एंड व्हाट इज मरीन एक्वेरियम। आज इस 75 एपिसोड के कमिटमेंट के साथ यहाँ पर मरीन एक्वेरियम के हिस्ट्री राइट फ्रॉम द बर्थ से लेकर टिल द इवोल्यूशन ऑफ टुडेज डेट, ये सारे चीज़ हम कवर करने वाले हैं। मरीन एक्वेरियम का हिस्ट्री, मरीन एक्वेरियम का लाइफस्टाइल, मरीन एक्वेरियम का रिक्वायरमेंट, मरीन फिशेस के ऊपर, मरीन फिशेस के डिटेल, मरीन फिशेस के ट्रीटमेंट, मरीन फिशेस का डिजीज, मरीन एक्वेरियम का नाइट्रोजन साइकिल, ए टू जेड हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इन नेक्स्ट 75 एपिसोड्स। नाउ व्हाट इज मरीन एक्वेरियम? मरीन एक्वेरियम इज अ एक्वेरियम वेयर यू कैन कीप मरीन स्पीसीज, मरीन फिशेस, मरीन इन्वर्टिबेट्स, मरीन प्लांट्स, ऑल इंडिविजुअली और ऑल टुगेदर इन अ क्लोज कॉम्पैक्ट एनवायरमेंट। एज अ होल मरीन एक्वेरियम वो एक्वेरियम होता है जिसमें आप एक बंद जगह पर, आपके घर में किसी भी एक जगह पर, एक एक्वेरियम में समुंदर के क्रिएचर, समुंदर की मछली, खारे पानी की समुंदर की मछली, समुंदर की पेड़ पौधे, समुंदर के इन्वर्टिबेट्स, जो भी समुंदर के अलग अलग दूसरे प्राणी हैं, वो सारे चीज़ को आप उस मरीन एक्वेरियम में अपने घर में रख सकते हो। सामुद्रिक जो भी चीज़ें हैं, समुंदर के जो भी बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, उसको जब आप एक्वेरियम में रखते हो उस सिस्टम को मरीन एक्वेरियम कहते हैं। मीनवाइल मरीन एक्वेरियम हॉबीज ने दो पार्ट पे डिवाइड किया हुआ है, इनफैक्ट तीन पार्ट में मरीन एक्वेरियम का फर्दर डिवीजन है। पहला मरीन एक्वेरियम है फिश ओनली, जिस एक्वेरियम में खारे पानी के फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ समुंदर के कुछ कलरफुल मछलियां रहते हैं, उसे फिश ओनली मरीन टैंक कहते हैं। वन सेकेंड फाउलर मरीन टैंक कहते हैं। फाउलर मीन्स फिश ओनली विथ लाइव रॉक। फाउलर टैंक का फुल फॉर्म है फिश ओनली विथ लाइव रॉक, मीन्स आप मरीन एक्वेरियम में समुंदर के कुछ लाइव रॉक, समुंदर के कुछ पत्थर रख के उसमें सजा के, समुंदर के नीचे के माहौल की तरह सजा के कुछ मछली रख के उसे फिश ओनली विथ लाइव रॉक फाउलर एक्वेरियम भी कहते हैं। और तीसरा जो एडवांस लेवल का मरीन एक्वेरियम है उसे रीफ टैंक कहते हैं। इट्स कोरल रीफ, रीफ एक्वेरियम। रीफ एक्वेरियम
आप समुंदर के जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी फूल है, जो भी मूंगे हैं, जो भी कोरल्स है, जो भी एनिमल्स है, ये सारे इनवर्टिब्रेट्स जो मछली नहीं है लेकिन समुंदर के जीव है, समुंदर के अलग अलग एनिमल्स हैं, वो सारे अलग अलग स्पेसिमेन, अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग एनिमल्स को जब आप उस एक्वेरियम में रख रहे हो अलोंग विद द फिशेस, मछलियों के साथ, दैट इज रीफ एक्वेरियम। मरीन फिश कीपिंग, जो हमारा फ्रेश वाटर फिश कीपिंग है, फ्रेश वाटर एक्वेरियम और मरीन एक्वेरियम में काफ़ी डिफरेंस है। जो मेन डिफरेंस है वो है मरीन फिश कीपिंग में, मरीन फिश को रखने के लिए आपको खारे पानी का कंप्लीट सिस्टम सेटअप बनाना होता है, और मरीन का जो फिशेस है, जो भी क्रिएचर है, वो मीठा पानी में, हमारे नॉर्मल सादा पानी में, मीठा पानी में सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो उन्हें सॉल्ट वाटर में सर्वाइव कराने के लिए या उन्हें सही तरीके से रखने के लिए वो कंप्लीट एनवायरनमेंट देने की ज़रूरत होता है। तो इसलिए मरीन फिश कीपिंग फ्रेश वाटर फिश कीपिंग के साथ काफ़ी अंतर होता है, दोनों को आप मिला मत दीजिए। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मरीन का जो भी फिशेस मुझ पर देखते हैं वो बोलते हैं गोल्ड फिश ऑस्कर फ्रेश वाटर में रहेंगे कि नहीं, लेकिन वो गोल्ड फिश ऑस्कर फ्रेश वाटर के फिशेस के साथ नहीं रहेंगे, उनके लिए अलग सिस्टम ही बनाना पड़ता है। क्या आपको पता है फर्स्ट सॉल्ट वाटर एक्वेरियम, फर्स्ट मरीन एक्वेरियम या फर्स्ट सॉल्ट वाटर फिश कीपिंग कब, कहाँ, कैसे स्टार्ट हुआ? तो चलिए जानते हैं द हिस्ट्री ऑफ मरीन एक्वेरियम। हम पीछे से शुरू करते हैं, कहाँ से मरीन एक्वेरियम का ओरिजिन हुआ, शुरू हुआ, किसने, कब, कैसे ये शुरू किया। पहला सॉल्ट वाटर जो टैंक वो बनाया गया था एक रोमन द्वारा रोम में, वेनेटाइन ग्लास जार, जहाँ पर रोमन्स ने आउटडोर में एक एनीमोन रखा हुआ था। ये इतिहास में, जो जिंदगी में, इतिहास में पहली बार रोमन ने पहला सॉल्ट वाटर टैंक बनाया था वेनेटाइन ग्लास जार का, जहाँ पर बाहर आउटडोर में घर के बाहर एक एनीमोन रखा गया था। हालांकि ये सॉल्ट वाटर टैंक का लाइफ बहुत ही शॉर्ट था, ये एनीमोन ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहा। उस जमाने में एस्टेक एम्पायर हैड 10 सॉल्ट वाटर पॉन्ड। हमारे यहाँ पर जो तालाब होते हैं ना, एस्टेक का एम्पायर जो राजा थे, वो राजा का साम्राज्य था टेक्सकोको में। टेक्सकोको 25 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, हाँ, मैक्सिको सिटी के आसपास है, जो मैक्सिको कोलंबिया में, मैक्सिको में। उस जमाने में ये रोमन का ग्लास जार एनीमोन देखने के बाद एस्टेक का जो एम्पायर था, जो राजा थे, एस्टेक साम्राज्य का जो राजा थे, उनका साम्राज्य था टेक्सकोको में, जो मैक्सिको से 25 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में स्थापित था। उन्होंने अपने साम्राज्य टेक्सकोको में 10 सॉल्ट वाटर का पॉन्ड बना दिया। हमारे यहाँ पर जो भारत में तालाब हुआ करते हैं, वैसे ही 10 तालाब उन्होंने खोद डाला और समुंदर से पानी लाके उस तालाब में डाल दिया, और समुंदर के मछली, एनीमोन, कोरल, ये सारे लाके डाल दिए। कौन, किसने? एस्टेक एम्पायर ने, टेक्सकोको में। उनका इतना शौक था और समुंदर के जीव को पालने का शौक आज से नहीं, सदियों से है, इतिहास गवाह है। भारत आज़ाद हुए 1947 में, और भारत की आज़ादी के 101 साल पहले, मीन्स 1846, ये साल देखिए, भारत आज़ाद हुआ 1947 में, और भारत की, हमारी आज़ादी के 101 साल पहले 1846 में एनाथाइंस ने पहली बार कुछ स्टोनी कोरल और सीवीड लंदन में एक एक्वेरियम बना के रखे, और उनके नाम पर, वो थे पहले क्रिएटर जो सक्सेसफुली 3 साल तक कैप्टिविटी में मरीन स्पीसीज को सर्वाइव करवाने में सक्सेसफुल हुए। आप सोचो कि लंदन में एनाथाइंस ने भारत की आज़ादी के 101 साल पहले मरीन के लाइव कोरल
लाइव सीवीड, लाइव एनिमोन सक्सेसफुली 3 साल तक रखने में सक्सेस हुए। वो अपना रिसर्च या अपना शौक किस समय से शुरू कर चुके थे और आज उस दिन से लेकर आज तक, आज 2022 ऑलमोस्ट 75 ईयर्स हमारे आज़ादी के और 101 साल पीछे मीन्स 176 ईयर्स, एक 176 ईयर्स के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस मरीन क्रिएचर के ऊपर ये जानकारी देने के लिए हमारे भारत में। ये तो था कुछ बेसिक नॉलेज, बेसिक इतिहास की जानकारी जो मैंने रिसर्च करके प्राप्त किया है। पर्सनल सॉल्ट वाटर फिश कीपिंग हैज स्टार्टेड टू बिगेन फ्रॉम 1950s। सन 1950 से पर्सनल लेवल में सॉल्ट वाटर एक्वेरियम का जो शौक है ये स्टार्ट किया गया सन 1950 में, मीन्स भारत के आज़ादी के 3 साल बाद से। मूलतः ये शौक पाला गया यूरोप में और यूएसए में, ये शुरू हुआ यूरोप और यूएसए में, जो 1950 में मतलब आज से लगभग 72 साल पहले, 72 years ago, आज से 72 साल पहले से पर्सनल लेवल में मरीन एक्वेरियम रखना, मरीन एक्वेरियम के फिशेस को पालना, मरीन क्रिएचर को अपने घर में रखना, ये शौक शुरू हुआ आज से 72 साल पहले सन 1950 में। सन 1950 में जो पहला मरीन एक्वेरियम बनाया गया था वो नॉर्मल ग्लास जार में, ग्लास एक्वेरियम जो हमारा रेगुलर ग्लास एक्वेरियम है, वो रेगुलर ग्लास एक्वेरियम 20 गैलन का ग्लास एक्वेरियम मतलब लगभग 100 लीटर के ग्लास एक्वेरियम में बनाया गया था। और वहाँ पर सब्सट्रेट के तौर पर कुछ कोरल क्रश दिए गए थे, कुछ रॉक दिए गए थे, कुछ कोरलाइन एल्गी, कुछ सीवीड दिए गए थे सब्सट्रेट के तौर पर, और एरिएशन देकर वहाँ पर कुछ मरीन क्रिएचर, कुछ कोरल्स, कुछ फिशेस, कुछ एनिमल को रखा गया था। हालांकि यहाँ पर जो पत्थर, जो भी सब्सट्रेट दिया गया था ये काफ़ी नेगेटिव रेस्पॉन्स किया, उससे एमोनिया बहुत ज़्यादा रेज हो गया था एज अ होल। फिर बाद में वो सब चीज़ों को रिमूव कर दिया गया, नॉर्मल नीट एंड क्लीन एक्वेरियम ज़्यादा हेल्दी साबित हुआ उस ज़माने में। ज़्यादा जो चीज़ पुटअप कर दिया गया था छोटे से जगह पर, उससे एमोनिया और नाइट्रेट लेवल का डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा हो गया था। बाद में उसे वहाँ से रिमूव कर दिया गया और साफ सुथरा हेल्दी एक्वेरियम को मेंटेन करना शुरू किया गया। ये आज से 72 साल पहले सन 1950 की स्टार्टअप में कह रहा हूँ, जब पर्सनल लेवल में मरीन एक्वेरियम शुरू किया गया। शुरुआती दौर में जब मरीन एक्वेरियम रखना शुरू किया गया उस समय लोकल जो समुंदर के बीच थे वहीं से समुंदर की पानी को कलेक्ट किया जाता था। आर्टिफिशियल सिंथेटिक सॉल्ट तो उस समय थे नहीं, सिंथेटिक सॉल्ट की कोई मैन्युफैक्चरिंग या कोई कंपनी हुआ उस समय जनरेट नहीं हुआ था, ना ही इतने सारे इक्विपमेंट्स थे उस ज़माने में। हाईली प्रेशर कंप्रेशर के थ्रू एक्वेरियम में फिल्ट्रेशन क्या हुआ करता था, अंडर लेवल फिल्टर में कुछ कोरल डाल दिए जाते थे, ब्रोकन कोरल, और हाई प्रेशर कंप्रेशर से एयर पास किया जाता था, वाटर को सर्कुलेट किया जाता था थ्रू द हाई प्रेशर कंप्रेशर विद द हेल्प ऑफ अंडर लेवल फिल्टर एंड कोरल क्रश। और पानी कहाँ से लिया जाता था, जो नियरेस्ट बीच है, समुंदर के बीच है, वहाँ से बकेट से पानी कलेक्ट करके एक्वेरियम में डाला जाता था। शुरुआती दौर में इस तरह से मरीन एक्वेरियम का रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। और शुरुआती दौर में उस ज़माने में जो भी किताब है, जो मरीन एक्वेरियम के पॉपुलर किताब है, जो मरीन एक्वेरियम के फिशेस सजेस्ट करते थे, रिकमेंड करते थे, वो मरीन फिशेस आप जान के बहुत अच्छा लगेगा आपको। उस ज़माने में जो पहला मरीन फिश रखना शुरू हुआ था वो था पर्कुलर क्लाउन, आज का हमारा सुपर हीरो फाइंडिंग नीमो। ये जो नीमो है, जो हमारे नीमो फिल्म के सुपर हीरो है, वो उस ज़माने में पहला मरीन फिश हुआ करता था जो एक्वेरियम में रखा गया था, शुरू किया गया था। पहला मरीन फिश के तौर पर पर्कुलर क्लाउन, सार्जन मेजर डैमसेल, येलो टेल ब्लू डैमसेल, ब्लैकिश वाटर का पफर फिश और ज्वेल ब्लेनी, ये 5 फिश थे जो पहले शुरुआती मरीन एक्वेरियम में रखना शुरू किया गया। क्योंकि ये 5 फिश कोस्टल एरिया में, ये ब्लेनी
लो टाइड में इजीली कोस्ट में मिल जाता था, पर्कुलर भी इजीली कोस्टल एरिया में मिल जाता था, और ब्लू डैमसेल और साजन मेजर डैमसेल आज भी इजीली कोस्ट एरिया में मिल जाते हैं जो रीफ बेस्ड कोस्ट है। तो कोस्टल एरिया में जो भी क्रिएचर इजीली मिल जाते थे, जो भी पानी मिल जाता था और जो भी पत्थर मिल जाता था, उसी से पहला मरीन एक्वेरियम स्टैब्लिश किया गया घरेलू रूप पे सन 1950 में। मैंने पहले ही बताया कि उस ज़माने में समुंदर का नेचुरल पानी लाया जाता था एक्वेरियम रखने के लिए, लेकिन उसमें बहुत बड़ा ड्रॉबैक फेस किया गया। जब ये हॉबी थोड़ा वाइडली एक्सपेंड होना शुरू हुआ और समुंदर से पानी लाना शुरू हुआ, वहाँ से सभी हॉबीज़ ने एक्सपीरियंस किया कि समुंदर के पानी में बहुत सारे अनवांटेड लाइव ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे पॉल्यूटेंट भी आ जा रहे हैं, अनवांटेड ऑर्गेनिज्म, कुछ डिजीज़, कुछ बैक्टीरिया, जो समुंदर में तो मछली को प्रॉब्लम नहीं करते, लेकिन कंटेमिनेटेड जगह पर छोटे से एक्वेरियम में मछली पर हावी हो जाते हैं। बहुत पैरासाइट, बहुत पेस्ट, बहुत डिजीज़, बहुत अनयूजुअल बैक्टीरिया समुंदर के पानी से थ्रू आ जा रहे हैं। तभी साइंटिस्ट ने रिसर्च करना शुरू किया केमिकल के थ्रू आर्टिफिशियल सिंथेटिक सॉल्ट बनाना और सिंथेटिक मरीन एक्वेरियम के लिए जो आज जो सॉल्ट मिलता है, इसका रेवोल्यूशन शुरू हुआ धीरे 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 धीरे। जब समुंदर के पानी को फिल्टर करने के लिए फिल्ट्रेशन का अपडेशन शुरू हुआ, पानी को यूरोप के कंट्री, आप जानते हैं बहुत ठंडा कंट्री है, सर्दियों में सारे फिशेस मर जाते थे तो हीटर की ज़रूरत थी। जब हीटर का जनरेट हुआ, आप जानते हैं पहला प्रोटीन स्कीमर, पहला हीटर किसने इन्वेंट किया, किन्होंने, किस कंट्री ने इन्वेंट किया, दुनिया का पहला प्रोटीन स्कीमर और पहला अंडर वाटर इलेक्ट्रिक हीटर एक्वेरियम के लिए इन्वेंटेड इन जर्मनी। वो जर्मन लोग थे जिन्होंने पहला अंडर वाटर इलेक्ट्रिक हीटर, आज जो हम एक्वेरियम में हीटर लगाते हैं, वो पहला इलेक्ट्रिक हीटर इन्वेंटेड बाई अ जर्मन पीपल इन जर्मनी, और पहला प्रोटीन स्कीमर भी जर्मनी में इन्वेंट किया गया। शुरुआती दौर में मरीन एक्वेरियम सनलाइट के नीचे रखा जाता था, क्योंकि प्रॉपर लाइट नहीं होने के वजह से कोरल सर्वाइव नहीं करते थे, एनिमल सर्वाइव नहीं करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे रेवोल्यूशन आगे बढ़ता गया, लाइट, मेटल हैलाइड जो सन को मिमिक करता गया, और आज के तारीख में रेवोल्यूशन इस लेवल का है कि आपके घर के अंदर कंप्लीट समुंदर के उस हिस्से को हम काट के ले आ सकते हैं और सक्सेसफुली बचा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के एपिसोड में हमने कवर किया है मरीन एक्वेरियम के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ओरिजिन के बारे में, कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किन्होंने शुरू किया, किस तरह शुरू हुआ, कैसे इवोल्यूशन में आगे बढ़ रहा है मरीन एक्वेरियम। और हमारे नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए अभी के अभी बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि एक नॉलेज शेयर हो, जो नॉलेज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, ये 2-5-10 हज़ार में सीमित ना रहे। हमारे पूरे इंडिया में 150 करोड़ भारतवासी है। आज इस इंडिपेंडेंस के अवसर में ये 150 करोड़ भारतवासी में ये वीडियो, ये नॉलेज फैले, ताकि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं, वो बच्चे इस चीज़ पे इंटरेस्ट जनरेट करें, उस बच्चों में इस चीज़ का इंटरेस्ट आए, ये नॉलेज आए कि आखिर ये चीज़ है क्या, वो भी जानने के लिए। आज हम बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, बच्चे जो डिस्ट्रक्शन पे चले जा रहे हैं, मोबाइल, दिन रात मोबाइल के पीछे, टीवी के पीछे, गर्लफ्रेंड के पीछे, बॉयफ्रेंड के पीछे, यही जो नेगेटिव चीज़, नेगेटिव एनवायरनमेंट, कुछ एडिक्शन, शराब हो, सिगरेट हो, ये सारे नेगेटिव एडिक्शन के पीछे जो बच्चे भाग रहे हैं, ये बच्चे एंगेज हो जा रहे हैं, बच्चे मासूम हैं, वो अनजाने में ही एंगेज हो जा रहे हैं कुछ नेगेटिव एडिक्शन के पीछे। ये हर पेरेंट्स या हर रिलेटिव्स का जिम्मेदारी है कि उनका वो नेगेटिव एडिक्शन को पॉजिटिव एडिक्शन के तरफ डाइवर्ट किया जाए। नेगेटिव एडिक्शन है गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, स्मोकिंग, अल्कोहल, क्लब, पब मेरे हिसाब से, और पॉजिटिव एंगेजमेंट है, पॉजिटिव एडिक्शन है पढ़ाई, किताब, पेट्स, पेट्स को पालना, पेड़ पौधे लगाना, देश के तरफ जागरूक होना, एक्वेरियम रखना, डॉग रखना, फिशेस रखना, ये सब है पॉजिटिव एडिक्शन, जो आपको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड देंगे, जो पॉजिटिवली ग्रोथ को डेवलप करेंगे पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ। तो अगर मेरा ये
बात आपको सही लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए, ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको किस किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। इट्स माई बिलीव कि आप जो भी टॉपिक के ऊपर चाहते हो ये सारा टॉपिक इस किताब में कवर है, और मैं ये सारा टॉपिक भी कवर करने वाला हूँ, जो सारा टॉपिक इस किताब में कवर है वो सारा टॉपिक को मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ विथ माई एक्सपीरियंस विथ माई नॉलेज। सो स्टे ट्यून विथ अस एंड स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। हमारा नेक्स्ट एपिसोड का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है द लिविंग रीफ इन द नेचर। नेचर में जो लिविंग रीफ है उसके ऊपर हम पहले थोड़ा आइडिया कलेक्ट करेंगे कि आखिर ये लिविंग रीफ होता क्या है, नेचर में वो रहते कैसे हैं, किस पैरामीटर में रहते हैं, किस माहौल में रहते हैं, किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, और जानकारी के साथ साथ हम वीडियो भी देखते जाएंगे और मज़े करते जाएंगे। आई स्वेयर ये जर्नी बहुत मज़ेदार होने वाला है। 75 एपिसोड मैं ले आऊँगा आने वाले कुछ महीनों में, ये बहुत मज़ेदार होने वाला है। आप लोगों की दुआ साथ में है तो मैं हूँ, और आगे भी आप लोगों की दुआ हमेशा रहेगा, ये मेरा विश्वास है, मेरा यकीन है। सो आज फाइनली इस आज़ादी के 75वां महोत्सव में दिल से खुशी के साथ हम ये कहना चाहते हैं, जय हिंद, हर हर महादेव। वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। See you.